सो फ्लोरिंग का काम अपनी 2020 क्रेटा में यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सो एक बार देख लो, फ्लोरिंग जो है अपनी जो नॉर्मल वाली फ्लोरिंग आती है रेगजीन वाली, उससे थोड़ी हाई क्वालिटी की फ्लोरिंग हमने यहाँ पे इंस्टॉल करी है। तो अपनी 2020 क्रेटा के सीट कवर की बात करना चाहूंगा, सो एक बार ये अपना सीट कवर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ये लुक आ रहा है अपना, तो कितनी प्यारी अपनी गाड़ी है। सो फ्लोरिंग का काम अपनी 2020 क्रेटा में यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सो एक बार देख लो, फ्लोरिंग जो है अपनी जो नॉर्मल वाली फ्लोरिंग आती है रेगजीन वाली, उससे थोड़ी हाई क्वालिटी की फ्लोरिंग हमने यहाँ पे इंस्टॉल करी है। सो आपको देखने को मिलेगी ये अपनी प्रॉपर वाटरप्रूफ फ्लोरिंग होती है। इसका जो मेन फायदा होता है वो होता है रीजन कि जो आपका ये वाला कारपेट है कंपनी से जो आपको मिला है, इसमें क्या होता है अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिर जाता है वो अपनी ना कारपेट अपने आप सूख लेता है। सूखने के बाद एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ टाइम बाद स्मेल करने लग जाता है। उससे पहले अगर आप करा लेते हो फ्लोरिंग जो कि अपनी ये वाली कराओगे अगर हाई क्वालिटी वाली, तो इसमें आपका ये फायदा होता है आपकी अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ भी गिरता है तो इसके ऊपर ही रहता है, कपड़े से साफ कर सकते हो ईजिली, कभी भी बीच में नहीं फंसता एंड कभी भी अंदर नहीं जाता। सो डोर वाइजर अपनी क्रेटा के लिए यहाँ पे हमने इंस्टॉल करा है। इसमें क्या आपको देखो एक बार क्रेटा 2020 की प्रॉपर बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है, क्रोम लाइन का है एंड जो डिज़ाइन है इसका काफ़ी तगड़ा लुक दे रहा है अपने साइड से। सो एक बार देख लो एंड नीचे आपको लोअर गार्निश का ऑप्शन अवेलेबल मिल जाता है, भैया नहीं लगवाई है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नीचे की तरफ अपनी साइड बीडिंग में ही लगी है, सो वो भी आपका ऑप्शनल रहता है, अगर आपको करवाना है वो भी आप करवा सकते हो। डोर वाइजर जो है काफ़ी अच्छा ब्रॉड लुक दे रहा है साइड से यहाँ पे। सो अपनी क्रिएटर 2020 में यहाँ पे हैंडल क्रोम का भी इंस्टॉल किया जा रहा है। सो एक बार देख लो अपना जो सेंसर कट वाला आता है उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि जेन्युइन हैंडल क्रोम ने यहाँ पे इंस्टॉल करा है। पीछे वाला भी इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद कुछ आफ्टर लुक दिखाता हूँ कैसा आने वाला है। लो अपनी क्रिएटर के SX वेरिएंट में यहाँ पे हमने डिफ्यूजर इंस्टॉल करा है जिसका काफ़ी तगड़ा आपको लुक देखने को मिल रहा होगा। सो एक बार देख लो ब्लैक एंड सिल्वर कलर का हमने यहाँ पे लुक दे रखा है इसके अंदर एंड ये वाली जो रेड टेप है इसको काफ़ी ब्रॉड लुक दे रही है सामने से। सो एक बार देखो एंड क्रोम वाली जो ग्रिल है इसमें भी आने पहले से ही लगी हुई है, SX वेरिएंट है इसमें शायद आपको मिल के आएगी। सो इसमें पहले से लगी हुई है, उससे क्या है जो लुक है काफ़ी मैच कर रहा है एंड काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। एंड कुछ क्लोज से दिखाऊं सो ये शॉट आता है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है, एक बार देख लो। एंड अगर ट्रैफिक वगैरह में हल्की फुल्की अगर यहाँ से ठुकती है सो शायद आपको ये कभी ना कभी तो बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगी सामने से, और बाकी मेन चीज़ तो इसकी लुक काफ़ी औसम आपको देखने को मिल जाती है सामने से। सो एक बार देख लो अपनी 2020 क्रेटा के सीट कवर की बात करना चाहूँगा, सो एक बार ये अपना सीट कवर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। सो एक बार देख लो जो लुक है काफ़ी फाड़ू लुक आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड कलर की बात की जाए तो भैया ने काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो कि इंटीरियर मैच पे जा रहा है, काफ़ी जेन्युइन टाइप यहाँ पे सीट हमने रेडी करके दी है। फिटिंग की बात की जाए तो प्रॉपरली काफ़ी OEM टाइप फिटमेंट है, एक बार ही कोने से भी दिखाऊं तो कहीं से उधड़ा हो या कहीं से कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्शन सारा का सारा बीच में आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा होगा जिससे जो अपना सीट कवर है उसकी लुक काफ़ी हद तक इनहेंस होती है, काफ़ी तगड़ा जो है साइड में बर्फी आपको देखने को मिल रहा है लुक। एंड जैसे ही कंप्लीट होगा सारा का सारा काम तो एक बार दिखाता हूँ गाड़ी में कैसा आपको लगने वाला है यहाँ पे। एंड क्रेटा के बैक लुक की यहाँ पे बात करना चाहूँगा, सबसे पहले अपनी जो वाली लाइट होती है प्रॉपर पूरी यहाँ से इंस्टॉल हो चुकी है जो कि अपना SX वेरिएंट है, इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। सो एक बार देख लो काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ से पूरी लग रही है। एंड जला के दिखाऊंगा मेन लुक इसका उसी में आता है, तो अभी दिखाता हूँ। एंड नीचे की तरफ बात करूँ एक बार तो नीचे यहाँ पे अपने रिफ्लेक्टर इंस्टॉल हो चुके हैं प्रॉपरली। सो एक बार देख लो कंपनी से जो मिलते हैं वो नॉर्मली पीले कलर के बल्ब इसके अंदर होते हैं इंस्टॉल, तो उसकी जगह पे LED वाले काफ़ी बढ़िया रिफ्लेक्टर हमने इसके अंदर इंस्टॉल करें। प्लस में ये इंडिकेटर में आपके साथ में चलते हैं, मतलब मैट्रिक्स स्टाइल होते हैं। साथ में अपने यहाँ पे डिफ्यूज़र इंस्टॉल हुआ है, सो इसकी भी एक बार एडजस्टमेंट दिखाऊं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई है। ये क्रोम का पीस जो है पीछे से लुक को काफ़ी हद तक इनहेंस करता है, सो एक बार देख लो। एंड रेड टेप जो है वो इस रेड लाइट के साथ काफ़ी मिक्सअप कर रही है एंड काफ़ी बढ़िया लुक आपको दे रही है। सो एक बार देख लो काफ़ी प्यारा लुक हमने बैक साइड से कर दिया है यहाँ पे। एंड ये वाला जो है दोनों क्रोम में दो साइलेंसर वाला लुक वही है अपने, ये वाला जो है अपना रिफ्लेक्टर एक बार देख लो
प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। फिटिंग की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया तरीके से OEM टाइप फिटिंग यहाँ पे सारे काम में हुई है। एंड अभी जो है एक बड़ी लाइट जला के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। सो ये कुछ लुक रहेगा अपना इंस्टॉल होने के बाद, काफ़ी मतलब अपना डैशिंग लुक में जलाने के लिए स्टार्ट, जैसे ही स्टार्ट होती है तो इस तरीके से जलती है अपना एक इसका खुद का ही सिनेमैटिक है, उस तरीके से जलती है एकदम डिजाइनिंग में। तो उससे क्या है काफ़ी पीछे से लो लुक है ना, अगर कोई देखता है काफ़ी ब्रॉड एंड मस्कुलर लुक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से। सो रिफ्लेक्टर एक बार दिखाऊँ, सो काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पे जलने के बाद, प्रॉपर रेड कलर का ग्लो कर रहा है काफ़ी। एक बार इसको मैं इंडिकेटर पर डाल के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जब अपने हज़ार लाइट ऑन कर देते हो, चारों इंडिकेटर ऑन कर देते हो, तो कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलता है। सो ये देखो काफ़ी प्यारा लुक लग रहा है यहाँ से, ये पूरी प्रॉपर लाइट हमारी जो है काफ़ी प्यारे तरीके से जल रही है। एक बार ये देखो एंड इसकी जो ग्लोइंग वाली वो स्क्रीन है, मतलब जैसे ही ग्लो कर दिया है तो काफ़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पे 100 सीरीज था यहाँ पे, प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, जिससे काफ़ी जो फिटिंग है इसकी, सबसे मेन बात जो है ना फिटिंग की बात की जाए तो प्रॉपर जेन्युइन टाइप हमने यहाँ पे फिटिंग दी है। सो एक बार देखो काफ़ी प्यारा स्टीरियो यहाँ से लग रहा है, लग नहीं रहा बिल्कुल भी आफ्टर मार्केट लगवाया हो। एंड इसकी खासियत है कि ये प्रॉपरली एंड्रॉयड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सारे एप्लीकेशंस, जैसे कि गूगल क्रोम है, कैलकुलेटर वगैरह है। एक बार मैं इस पर फोकस कर देता हूँ एंड यहाँ से टॉर्च को हम बंद कर लेते हैं। सो एयर एक बार अब थोड़ा अच्छे हाईलाइट हो रहा होगा एंड काफ़ी बढ़िया जो है अपना टच रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। सो ये देखो YouTube वगैरह का सारा ऑप्शन आपको सामने मिल जाएगा। भैया ने भी आईडी लॉगिन नहीं करी है तो फिलहाल के लिए सॉन्ग हम डायरेक्ट प्ले कर देंगे, यहाँ से YouTube से प्ले नहीं हो पाएगा। कप प्लेट यहाँ पे हमने क्रेटा में इंस्टॉल करी है जो कि अपनी ब्लैक कलर की है एंड इसके ऊपर जो LED जलेगी वो ब्लू कलर की होगी, तो उससे काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको गेट खोलते लुक देखने को मिल जाता है। लाइट जो है काफ़ी इसकी ब्राइट है वो आपको देखने में पता चली रही होगी, यहाँ फुट रेस्ट तक आ रही है, गेट पूरा कवर कर रही है एंड काफ़ी बढ़िया ऑसम इंटीरियर का लुक दे देती है। जैसे आप गेट खोलते हो तो अलग से आपकी गाड़ी यहाँ पे हाईलाइट होगी। सो ये देख लो एक बार, प्रॉपर कुछ ये लुक आ जाता है अपना। एंड सीट कवर की बात करी जाए काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पे सीट कवर, एक बारी टॉर्च ऑन करके दिखाऊं। सो एक बार ये देखो बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग में हमने यहाँ पे आपको वर्क करके दिया है प्रॉपरली सीट कवर के अंदर। ये फायदा होता है अगर आप अच्छी दुकान से, मतलब मान लो हमारी दुकान से यहाँ पे सीट कवर चढ़वा रहे हो तो आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। क्वालिटी एंड फिटिंग की बात की जाए एक बार देख लो, प्रॉपर OEM टाइप हमने फिटिंग करके यहाँ पे दी है। स्टीरियो की बात की जाए एक बार ये देखो, प्रॉपर जेन्युइन टाइप में आपको फिटिंग देखने को मिल जाएगी, कहीं से नहीं लगेगा कि आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, प्रॉपर एंड स्टीरियो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। एंड पीछे देखूँ तो पीछे कुछ ये लुक है, इसमें पीछे आमलेस वाली सीट है तो उसके भी फिटमेंट काफ़ी प्रॉपर तरीके से की गई है यहाँ पे। सो एक बार आप यहाँ पे पूरी तरीके से देख सकते हो। सो साइड से एक बार ओवरऑल लुक की बात करना चाहूँगा, सबसे पहले अपना डोर वाइजर है, उसके बाद अपना ये लोअर गार्निश है एंड डोर गार्ड है, हैंडल क्रोम है, साइड बीडिंग है, ये क्लैडिंग्स है एक्चुअली, इस पर प्रॉपर अपनी क्रेटा की बैजिंग मिल जाती है जिससे जो अपना कलर है काफ़ी मैच करता है ब्लैक एंड सिल्वर, तो काफ़ी जेन्युइन टाइप वाला लुक आ जाता है। नीचे की तरफ फुटरेस्ट हमने इंस्टॉल करा है जो कि काफ़ी प्यारा साइड से लुक भी दे रहा है। तो दूर से कुछ दिखाऊं ये लुक आ रहा है अपना। फाइनली अपनी जो क्रेटा 2020 थी यहाँ पे आके अपना सारा का सारा काम कंप्लीट प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। सो सामने की बात करना चाहूँगा, डिफ्यूज़र अपना जो इंस्टॉल हुआ था वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है रात में आपको, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पे जो लुक है, काफ़ी ब्रॉड लुक सामने से देखने को मिल रहा है एंड गाड़ी जो है काफ़ी प्यारी, हमने साइड प्रोफाइल जो है इसकी मुझे काफ़ी पसंद आई। एक बार देखो डोर वाइजर है अपने, वरना कुछ क्रोम का आइटम है, नीचे फुटरेस्ट लगाया तो उससे काफ़ी अच्छा आपको लुक देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू जैसी पहली थी। एंड काफ़ी प्यारा लुक आपको यहाँ पे क्रेटा में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको करानी है ऐसी क्रेटा मॉडिफाई, आपको नंबर देखा होगा डिस्प्ले में, उस पर ईजिली कॉल करके आप शॉप पर आ सकते हो डायरेक्टली। सो कुछ ओवरलुक ये है यहाँ पे क्रेटा का हमारे पास, से देख लो एक बार।